नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ समय में सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं और यह इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन यह बात क्या पूरी तरह सच है, आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक कारों को हम जितना इको फ्रेंडली मानते हैं, दरअसल ये उतनी होती नहीं है। एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में 57 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है, जिसमें 8 किलोग्राम लिथियम, 35 किलोग्राम निकल, 14 किलोग्राम कोबाल्ट, जमीन से निकालने से 4200 किलोग्राम एसिड कचरा निकलता है। वहीं ईवी बनाने में 9 टन कार्बन निकलता है, जबकि पेट्रोल में यह 5.6 टन है। ईवी में 13,500 लीटर पानी लगता है, जबकि पेट्रोल कार में यह सिर्फ 4,000 लीटर है। रिकॉर्डो कंसल्टेंसी के अनुसार अगर ईवी को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें तो 1.5 लाख किलोमीटर चलने पर यह पेट्रोल कार से सिर्फ 20% कम ही कार्बन डिस्चार्ज करेगी। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर 70% बिजली कोयले से ही बन रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक रिसर्च के अनुसार 3300 टन लिथियम कचरे में से सिर्फ 2% ही रिसाइकल हो पाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल है, यह बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसी कारण से ईवी की बैटरीज में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन फ्यूल कहकर लिथियम का महिमा मंडन हो रहा है, पर इसे जमीन से निकालने से एनवायरनमेंट 3 गुना ज्यादा जहरीला होता है। लिथियम की 98% बैटरीज यूज होने के बाद जमीन में गाड़ दी जाती हैं और यह पानी के कांटेक्ट में आने से इनमें आग लग जाती है। MIT इनिशिएटिव के मुताबिक दुनिया में करीब 200 करोड़ वाहन हैं, इसमें से 1 करोड़ वाहन ही इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। अगर सभी को ईवी में बदल दिया जाए तो उन्हें बनाने से एसिड वेस्ट निकलेगा और उसके बाद एनवायरमेंट पर और भी ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के बावजूद भी अगर हम अपने एनवायरनमेंट को व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन से नहीं बचा सकते हैं तो फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। हमें अपने एनवायरनमेंट को व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन से बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देना होगा। हमें पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम से कम करना होगा, इससे हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेस का डिस्चार्ज को कम कर पाएंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में सभी को अवेयर कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा